ये सामने बिल्डिंग पूरी दिखती है ऊपर तक का, आज ये कोहरे से ढकी हुई ऊपर से। हे यू द गड़ियो, सब लोग कैसे हो? बहुत ही बढ़िया होंगे आई गैस, मजे कर रहे होगे, चिल कर रहे होगे। गर्मियों का टाइम आ चुका है फाइनली थोड़ा थोड़ा। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, पहले मतलब सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ गुड मॉर्निंग विश कर दूँ सबको। बाकी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था मैंने। ब्रेक क्यों लिया था, क्योंकि हालांकि तो भी एडवांस व्लॉगर नहीं हूँ मैं कि मतलब ब्रेक ले लूँ मैं बिल्कुल, मैंने बताया। लेकिन ब्रेक इसलिए भी ले लिया था मैंने क्योंकि थोड़ा एक तो ऑफिस से थोड़ा इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक आप काम करो, फिर उसके बाद शाम को आके आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है जो प्रोजेक्ट्स में उठाता हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है इतनी थकान हो जाती है कि मन नहीं करता कोई भी चीज़ करने का। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा चल यार रक्षे, चिल करते हैं। बाकी अभी रेडी हो चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं रेडी हो चुका हूँ मैं अच्छी तरीके से, और ऑफिस को निकल रहा हूँ। राइड बुला ली है, कैब बुला ली है, कैब आने वाली है। कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत कवर करने के लिए, लेकिन ऑफिस के अंदर का तो दिखा नहीं सकता क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अंदर का डेटा आप लीक नहीं कर सकते हो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर करने के लिए, जैसे कि लंच में कैंटीन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा ये कवर करूँ। नहीं हो पाया तो कुछ और कंटेंट बना के डाल दूंगा इसमें, इसी वीडियो के आगे। बाकी कुछ चीज़ें मैंने सोची थी, देखी थी मैं, जैसे कि मैं डेली कैब से जाता हूँ तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और कोशिश किया था कि मैं शॉर्टेस्ट और द कह सकते हैं ना कि शॉर्टेस्ट एंड द पैसा बचाने वाला वे वो चीज़ देखता हूँ। तो थोड़ा आज से मैं वो भी ट्राई करूँगा कि मैं ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे वापस आ सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, वो चीज़ें भी आज से ट्राई करने वाला हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, कनेक्टेड रहिए। ये सामने बिल्डिंग पूरी दिखती है ऊपर तक का, आज ये कोहरे से ढकी हुई ऊपर से। हम क्या खा रहे हैं? चुड़चुड़ नाने के है भाई, हम तो लंच ही खा रहे हैं, आप ही खरीद खरीद कर रहे हो खाना, तुम तो भी। लेकिन ये होता तो बढ़िया है, बढ़िया हो रहा है फिलहाल ये। ये यश भाई हैं, यश भाई ने बताया कि यहाँ पे बढ़िया दान मिलती है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है चुड़चुड़ नाने खा लेते हैं बढ़िया से, बाकी फटाफट खाते हैं और मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे पैंट में, तूने ऐसे खाना ऐसे खाया जाता है क्या इधर? मेक योर हाइजीन मेंटेन, इंसानों की तरह खाओ, आप इंसान हैं। तो भाई गिर गया, ये क्या कैसे गिर गया? हाँ वहाँ पे भी गिरा के दिखा दो प्रैक्टिकल चल जाएगा। एक ये वाली बिल्डिंग है, सुबह तक दिख भी नहीं रही थी, सिर्फ आधी दिख रही थी ये बिल्डिंग कोहरे से। लड़के पैंट में गिरा दे रहे हैं, पैंट में क्या गिरा रहे हैं लड़के? खाना नहीं आता है, खाना नहीं, लड़कों को खाना नहीं आ रहा है, लड़कों के पास लड़की नहीं है ना खिलाने वाले। लड़के भागे भागे विचलित होते हुए आ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे छोड़ दे हैं, मान लूंगा कपड़े गंदे नहीं करते, कल पट गया भाई, अभी सूखेगा ना जब देख। अब देख, अब तूने इसको और गंदा कर दिया है, इतना करवाई करा, साबुन लगा साबुन। ऑफिस खत्म, मैगी चालू, फटाफट मैगी खाते हैं फिर उसके बाद निकलते घर को। प्लान कुछ वैसा ही है कि निकलूँगा मैं बाहर और सामने से पीछे जो रोड चल रही है उस रोड में ऑटो ऑटो मिलते हैं, ऑटो पकड़ के सीधा राजीव चौक। राजीव चौक के बाद मैं चेक करूँगा कि क्या चीज़ मुझे ज़्यादा सही पड़ती है, क्योंकि कल मैं सुभाष चौक तक गया था, यहाँ पे पास में एक सुभाष चौक है वहाँ तक गया था, वहाँ पे थोड़ा मुझे मतलब ऐसा ही लगा, तो मैंने सोचा एक बार राजीव चौक तक चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है, वहाँ से फिर घर जाने का, फिर मैं आगे देखता हूँ।
डन विद द मैगी, बस निकल गया हूँ अब। भाई भी वहीं जा रहा था घर को, मैंने सोचा भाई, मैंने क्या सोचा भाई ने ऑफर किया कि मैं ही छोड़ देता हूँ, मैंने कहा चलो। हेलमेट पहन के रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं घर। भाई आराम से चलना, मैंने पकड़ा नहीं है। ओटीपी बताया आपने? हैं? ओटीपी बता दिया ना? ओटीपी बता दिया मैंने, ओटीपी यही, कल सुबह मिलेंगे हम ऑफिस में। वापस मैं निकल गया हूँ, मुझे भाई ने ड्रॉप कर दिया था राजीव चौक से, मैं निकल गया हूँ और अब बस जा रहा हूँ पैदल पैदल घर को, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है। ई रिक्शा भी ले सकता हूँ मैं, 10 रुपये का ई रिक्शा पड़ेगा मुझे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। शाम का टाइम है, थोड़ा घूमते फिरते चलते हैं, चिल करते हैं। बाकी मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे। सो द गड़ियो, हम आ चुके हैं, ये सामने मेदांता हॉस्पिटल है, मतलब रोड के उस पार जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं। मैं सर्विस लेन में आ गया था, बाकी मैं चल रहा हूँ सामने सीधे, चलते चलते मैक्स टू मैक्स विद इन 5 मिनट्स आई विल बी बैक इन माई होम, आई विल बी रीचिंग माई होम, एंड आफ्टर दैट मैं बताता हूँ आगे क्या है, हिसाब किताब क्या नहीं है। सो सही है, मतलब ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस मैं भी बताता हूँ घर पहुँच के। सो दगड़ियो, घर पहुँच चुका हूँ अभी अभी, और थक गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं थोड़ा ऑफिस के बाद रुक गया था मैगी खाने के लिए, क्योंकि जब मैं जनरली होता है जब मैं वापस आता हूँ, वापस आते आते मैं शॉप बीच में जो भी शॉप मिलती है मैं फटाफट वहाँ से कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही होती है। फिर मैं किस कंक्लूजन में पहुँचा, मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा कि वो मैं जैसे कल भी ट्राई कर रहा था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे कर सकता हूँ, राजीव ट्राई किया मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे कर सकता हूँ, द थिंग द विच आई कंक्लूडेड इज़ लाइक अगर मैं सुभाष चौक से होते हुए यहाँ पे आता हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे सुभाष चौक, मेरे घर के नियर बाई 2 चौक पड़ते हैं, एक होता है राजीव चौक एक है सुभाष चौक। सुभाष चौक से अगर होते हुए आता हूँ तो मेरा लंप सम अमाउंट मेरा उतना ही इक्विवेलेंट पड़ रहा है जितना मेरे राजीव चौक से पड़ेगा, लेकिन राजीव चौक से क्या है मैं वॉकिंग करके आ सकता हूँ। तो मैंने इन द एंड ये डिसाइड किया कि मैं सॉरी उल्टा है, मुझे ये पता चला कि सुभाष चौक से मुझे उतना ही अमाउंट पड़ रहा है लमसम जितना मेरे राजीव चौक से पड़ेगा, लेकिन सुभाष चौक से क्या है मैं यहाँ से वॉकिंग करते करते आ सकता हूँ, क्योंकि सुभाष चौक के बाद एक चौक और पड़ता है, वहाँ तक 10 रुपये का ऑटो लगता है, वो मैं कर लूँगा। फिर वहाँ से पैदल पैदल मैक्स टू मैक्स 200 to 300 meters है, तो इतना तो मैं डेली पैदल चल सकता हूँ उसमें, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ करता हूँ कि कल से मैं यही करूँगा, सीधा मैं सुभाष चौक में उतरूँगा, वहाँ से फिर इधर को अपने घर को वापस। बाय द वे, आज सुबह जब मैं ऑफिस को जा रहा था अब बाइक में रैपिडो में, तो मैंने ना एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ देखी कि जो मैंने कहा कि यार क्या चीज़ है इंसान को ना, हम लोगों को ज़िंदगी क्या क्या चीज़ें दिखाती है। जैसे कि मैं अगर अपने में ले लूँ, अपने परिवार में ले लूँ, हमारे परिवार में छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अनटिल अनलेस वो 7th-8th class तक आते हैं तब तक हमारे एज अ गार्जियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम जब रोड क्रॉस करें तो हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराएंगे। वहीं आज सुबह मैं जब ऑफिस को जा रहा था तो मैंने देखा यार छोटे छोटे लिटरली छोटे छोटे बच्चे जो थोड़ा बैगर टाइप होते हैं वो पहले रोड इधर देख रहे हैं क्रॉस करने से पहले, फिर रोड इधर देख रहे हैं क्रॉस करने से पहले, फिर क्रॉस करें, मतलब उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका मतलब माइंड सेट कैसे डेवलप हुआ कि मतलब चीज़ें आगे पीछे देख के ही रोड क्रॉस करनी, जबकि वहीं अगर हम अपने घर के बच्चों को छोड़ देंगे ऐसे, वो ऐसे भागेंगे, हम उनके पीछे अलग भागेंगे कि भैया कहीं कुछ लग लगवा ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, और वहीं पे वो बच्चे, अरे भाई साहब। मैंने कहा यार, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें मैं कनेक्ट करते रहता हूँ, तो मैंने वो चीज़ देखी और मैंने कहा कि क्यों ना शेयर किया जाए। तो बाकी वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फटाफट एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो आए हुए। और बाकी अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बढ़िया पार्ट कमेंट ज़रूर करना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियो आई है, थोड़ा सा आई एम सो सॉरी फॉर माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज मैंने थोड़ा एक इनिशिएटिव लिया था उस पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट टू गेट इट स्टार्ट। तो बाकी करेंगे, कोशिश करूँगा कल आए वीडियो, नहीं तो फिर परसों तो आए, हर ऑल्टरनेट डेज में तो कोशिश करूँगा वीडियो आए ही आए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना,
याद से अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो आजू बाजू वालों से सब्सक्राइब करवाना और बेल आइकन को हिट जरूर करना ताकि नोटिफिकेशंस भी आती रहें न्यू वीडियोज़ की। बाकी थैंक यू सो मच।